हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं एक बार फिर से आलोक मोरा जी हाईटेक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो लगातार बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल जी हाईटेक क्लासेस के साथ। कैसे हैं आप सभी, बहुत ही अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित समीकरण। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित समीकरण, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित समीकरण, ये हमारे पास रहेगा। ये इंपॉर्टेंट बहुत है तुम्हारे पास में, इंपॉर्टेंट बहुत है। 2024 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज बहुत ही सरल भाषा में मैं ये बताऊंगा आपको, और एक ही बार में आप समझ जाएंगे कि कैसे हम प्रूव करते हैं। एक ही बार में समझाऊंगा, एक ही बार में, ठीक है। देखो कैसे समझाते हैं, सिर्फ वीडियो पर शुरू से लास्ट तक अगर बने रहेंगे तो समझ लो एकदम दिमाग में फीड हो जाएगा, बिल्कुल दिमाग में फीड हो जाएगा। जैसे आप फ़ोन नंबर फीड करते हैं मोबाइल में, वैसे फीड हो जाएगा। फिर आप जस्ट सर्च मारोगे, तुरंत आ जाएगा खट से दिमाग में। देखो हम कैसे प्रूव करते हैं। हमने शून्य कोटि की अभिक्रिया का समीकरण आपको बताया था, वो देख लेना, और ये हमको प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित समीकरण कैसे प्रूव करना है। देखो तो सबसे पहले हम करते क्या है, माना कोई अभिक्रिया लेते हैं। देखो कहाँ से मान लें, R से P तक कोई अभिक्रिया मान लें। ये हमारे पास में R का मतलब होता है रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का मतलब होता है अभिकारक। क्या होता है? अभिकारक। P का मतलब प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट का मतलब होता है उत्पाद। तुम्हारे पास में मान लो हम यहाँ पर कोई t बराबर जीरो समय पर रिएक्टेंट मान लो हम कितना ले लिए a, तब उत्पाद बना हमारे पास में जीरो, और t बराबर कुछ समय पर हमने ले लिया अभिकारक, इसमें घटा दिया, तब उत्पाद बना हमारे पास में इतने। बात आई समझ में? जीरो समय पर अभिकारक a था, तब प्रोडक्ट बन रहा था जीरो, t बराबर कुछ समय पर हमने इसमें इतने मोल प्रति लीटर हमने मान लिया कोई हमारे पास अभिकारक है, तो इधर प्रोडक्ट x बनने लगा t समय के बाद में x मोल प्रति लीटर हमारे पास में उत्पाद बन रहा है। अब यही से तुमको समीकरण निकालना है। देखो यहां से वेग बराबर हम निकाल दें, वेग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, अभिकारक r की सांद्रता की पावर कितनी n, और ये हमारे पास n क्या है, अभिक्रिया की क्या है, कोट है। n अभिक्रिया की कोट है, और ये अभिकारक की सांद्रता है तुम्हारे पास, क्या अभिकारक की सांद्रता। तो वेग हम क्या मान लेते हैं, dx बटे डी टी इजकल टू के मान लो, यहाँ प्रोपोर्शनल का निशान हटाएंगे, आर की पावर कितना एन। अब एन बराबर अगर जो यहाँ पे एक रख दें तो कौन सी अभिक्रिया बन जाएगी, प्रथम कोटि की बन जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। प्रथम कोटि की अभिक्रिया बन जाएगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हम डी एक्स अपान में डी टी इजकल टू के R की पावर कितना रख दें, एक हमने रख दिया, फर्स्ट ऑर्डर बन गई। dx बटे कितना dt इक्वल टू बन गया k R तुम्हारे पास में बन गया। अब R का मान कितना रख ले, यहाँ पे x है तो यहाँ पे हम कितना रख लेते हैं, a माइनस x, सांद्रता कितनी a माइनस x पुट कर दो। dx बटे कितना dt इक्वल टू कितना k और a माइनस x। बात आई कुछ समझ में? अब इसके नीचे एक मान लो क्रॉस क्या करा दे, मल्टीप्लाई करा दो, तो क्या बन जाएगा हमारे पास में, dx अपान में कितना a माइनस x, इधर ले आओ इसके नीचे ले आओ a माइनस x इक्वल टू कितना k और dt तुम्हारे पास। इसको समीकरण क्या मान ले, हम एक मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, समीकरण एक। कोई प्रॉब्लम इतने में?
कोई समस्या किसी को इतने में समस्या नहीं होनी चाहिए। कुछ है नहीं, सिंपल है बहुत तरीके। अब ये जो समीकरण एक आया है इसी का क्या कर दो, समाकलन। समीकरण एक का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर तुरंत कर दो समाकलन। देखो हम कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल है तरीके से करना। तुमको समाकलन का निशान लगाओ, dx अपान में a माइनस एक्स इजक्ल टू के, कांस्टेंट का समाकलन होता नहीं है, dt हो गया तुम्हारे पास। समाकलन जो ब्रदर्स हमारे हैं या हमारे भाई हैं, हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं, बच्चे हैं, वो समाकलन मैथ में पढ़े होंगे, जिनके पास मैथ होगी वो समाकलन और अवकलन जानते होंगे, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। बट जिनके पास बायोलॉजी होगी वो बच्चे समाकलन और अवकलन नहीं जानते होंगे, तो उनके लिए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम, वो देख लें। देखो यहाँ पे फार्मूला बन जाता हमारे पास में, जैसे हमारे पास में इधर देख लो, हमारे पास ये मान लो होता है समाकलन एक बटे एक्स डी एक्स, तो इसका बन जाता है लॉग, या ln भी कह सकते हैं, लॉग भी कह सकते हैं, समस्या कोई नहीं, लॉग एक्स बन जाता है इसका। अगर मान लो हमारे पास में वन अपान ए माइनस एक्स दिया है, डी एक्स दिया है, तब इसका बन जाएगा तुम्हारे पास में लॉग ए माइनस एक्स, और एक्स कांस्टेंट का समाकलन कितना होता है, जीरो। यहाँ पे एक्स दिया है तो एक्स माइनस वन यानी कि माइनस एक तुम्हारे पास में माइनस लग जाएगा, तो वही माइनस से मल्टीप्लाई। जैसे हमारे पास समाकलन डी एक्स हुआ अगर जो, तो इसका हो जाएगा एक्स। अगर हमारे पास समाकलन डी वाई है तो इसका वाई। अगर समाकलन डी टी है तो इसका हमारे पास में खाली टी हो जाएगा। तो इन्हीं लोगों की जरूरत है बस, और कुछ नहीं। समाकलन डी एक्स अपान ए माइनस एक्स यानी कि वन अपान ए माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना, माइनस का तुम्हारे पास में, माइनस का ln लिख लेते हैं, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लॉग बेस e लिख लो या बेस 10 कोई प्रॉब्लम नहीं। ln a माइनस एक्स इक्वल टू के और इनटू में dt, dt का समाकलन कितना t तुम्हारे पास में, और प्लस का एक c मान लेते हैं कांस्टेंट, इसे समीकरण क्या मान ले, दो। ठीक है, इसे क्या मान ले, समीकरण दो मान लेते हैं। अब यहां से तुमको c का मान निकालना है, यहां से तुमको सी का मान निकालना है, तो टी बराबर कितना तुम्हारे पास में, जीरो। टी बराबर जीरो रख दो यहां से, जब टी बराबर जीरो है तो पदार्थ की जो कुछ समय बाद सांद्रता होगी वो भी जीरो होगी हमारे पास में। सांद्रता कितनी मिलेगी, जीरो, प्रोडक्ट जीरो मिलेगा हमको, तो यक्स का मान कितना हो जाएगा, जीरो। तुम्हारे पास दोनों वैल्यू उठा के पुट कर दो, माइनस देखो टी कामा एक्स का मान समीकरण दो में, समीकरण दो में रखने पर, रखने पर देखो माइनस ln एक्स का मान जीरो, तो ये बचा ए इजकल टू के इंटू में जीरो, प्लस का तुम्हारे पास में सी, माइनस का ln ए इजकल टू कितना, सी बन गया। इसे हम मान लेते हैं समीकरण तीन। अब सी का मान उठा करके दो में रखो, समीकरण तीन का मान समीकरण दो में रखने पर, रखने पर रख दीजिए उठा करके तुरंत सी का मान यहाँ पे, माइनस ln a माइनस एक्स इजकल टू के टी, माइनस का ln a, अब माइनस वाले लॉग वाले ln वाले इधर उठा लो, माइनस ln a माइनस एक्स, माइनस का इधर लाएंगे प्लस, ln a इजकल टू कितना के टी बन जाएगा। अब प्लस वाला पहले माइनस वाला बाद में, तो माइनस ln a माइनस का ln a माइनस एक्स इक्वल टू कितना के टी बन जाएगा तुम्हारे पास। अब ये जो फार्मूला था, ये जो फार्मूला हमें दिख रहा है, ये फार्मूला हमारे पास में बन गया
ln, ln a अपान b इजकल टू ln a माइनस ln b वाला फार्मूला बन गया। देखो ln a माइनस ln b, ln a माइनस ln b लिखा, ये b है पूरा, तो क्या बन जाएगा ln a अपान b, ये बन जाएगा पूरा, उठा के रख दो, बन जाएगा हमारे पास में ln a अपान में a माइनस x इजकल टू कितना kt तुम्हारे पास, या इसको हम लिख सकते हैं kt इजकल टू कितना ln a अपान में a माइनस x। अब एक चीज देखो, यहाँ पे ln है, हमको वैल्यू बेस 10 में लानी है, तो ln बराबर तुम्हारे पास में होता है 2.303 इंटू में log बेस 10, ln की जगह पे इतना मान तुमको रख देना है, ये वाला उठा के मान रख दो तुरंत, बन जाएगा kt इजकल टू 2.303 इंटू में log बेस 10 a अपान में a माइनस एक्स, टी तुम्हारे पास दिया तो k इजकल टू 2.303 अपान में t इंटू में log बेस 10 a अपान a माइनस एक्स। अब यही जो तुम्हारे पास में आ गया, यही जो आ गया, यही प्रथम कोट की अभिक्रिया का, प्रथम कोट की अभिक्रिया का समाकलित समीकरण है, समाकलित समीकरण है तुम्हारे पास में, यही समाकलित समीकरण है। तो अच्छा लगा वीडियो, एक ही बार में सटीक तरीके से तुरंत समझ जाओगे, सटीक तरीके से तुरंत समझ जाओगे, सिर्फ क्या है थोड़ा सा अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो एक से दो बार तीन बार रिपीट करके देखिए, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। तो ये तुम्हारे पास में था प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित समीकरण तुम्हारे पास में, जहां के इजकल टू जो तुम्हारे पास में है, जहां जहां तुम्हारे पास में जो के इजकल टू है, इसे बोलते हैं वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक। टी बराबर तुम्हारे पास में है क्या समय, और ए तुम्हारे पास में क्या है प्रारंभिक सांद्रता है, एक्स तुम्हारे पास में क्या है टी समय पश्चात, टी समय पश्चात, टी समय पश्चात अब उत्पाद की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता ये तुम्हारे पास में, टी समय पश्चात उत्पाद की सांद्रता मतलब है। बात आई समझ में इतनी कुछ। अब ये जो दिया है इसी पे न्यूमेरिकल लगेंगे तुम्हारे पास, ये जो दिया है इसी पे न्यूमेरिकल लगेंगे, न्यूमेरिकल जो हमने बताए भी हैं तुमको कैसे लगेंगे न्यूमेरिकल, वो तुमको लगाने। अब बात आती है अर्धायु काल की, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। ये जो है ये तुमको दो नंबर का प्रूफ मिलेगा, कितने नंबर का, दो नंबर का प्रूफ मिलेगा, यूपी बोर्ड, यूपी बोर्ड 2024 में ये तुमको मिलेगा दो नंबर का प्रूफ, अब की बार पूछा जाएगा, 100% श्योरली है कि मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से टॉपिक और सरल तरीके से लाऊंगा मैं, और आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। जिन भाइयों और बहनों को समझ में ना आए तो कृपया कमेंट करके बताएंगे, जो टॉपिक आपको समझना हो वो टॉपिक कमेंट में लिख करके हमको बता देंगे, सर ये वाला टॉपिक समझा दीजिए, मैं बहुत ही सरल तरीके से समझा दूंगा, जितनी हमारी दम होगी मैं सारी दम लगा दूंगा आपको समझाने में, आपको आना चाहिए वो, हमको चाहे जितनी मेहनत करना पड़े, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत, जय जी हाईटेक क्लासेस, कर विजय जी हाईटेक क्लासेस।
लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज तो 15 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस और स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और स्वतंत्र रहिए, मस्त रहिए, फुल आज़ादी के साथ जी लीजिए। उसके बाद में तो लगातार पढ़ना तो है ही, ठीक है। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक और कमेंट और शेयर तो ज़रूर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे देख सकें।